तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिस्टर टिटेनियम में। गाइज आज फिर से हाजिर हूँ। गाइज तो फ्रेंड्स की डिमांड पे मैं दोबारा वीडियो दे रहा हूँ। गाइज सोलर प्लांट के बारे में, इसमें कौन कौन से ट्रांसफार्मर के पार्ट हैं, गाइज करंट ट्रांसफार्मर के टाइप हैं, कौन कौन से करंट ट्रांसफार्मर इसके अंदर यूज किए जाते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। गाइज तो सबसे पहले हमारा आता है इसमें विंडो सीटी, और दूसरा आता है बुशिंग सीटी, सी पे आता है हमारा बार सीटी, और फिर आता है वंडर सीटी का वाउंड सीटी सॉरी। तो ये सारे सीटी का मतलब आप जानते ही करंट ट्रांसफार्मर होते हैं। तो इसके अंदर जो विंडो सीटी करंट ट्रांसफार्मर है गाइज, वो क्या है, ये इसको बनाया गया है तो इसमें प्राइमरी वाइंडिंग यूज नहीं होती एंड इज इंस्टॉल्ड अराउंड द प्राइमरी कंडक्टर। इसके अंदर एक ही वाइंडिंग होती है और इसके अराउंड है जो प्राइमरी वाइंडिंग के चारों तरफ कंडक्टर होता है, जो वायर होती है। और सेकंड नंबर पे है बुशिंग शीटी, सेकेंड है गाइज बुशिंग सीटी। इसमें क्या है, विंडो सीटी स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू फिट अराउंड ए बुशिंग एंड इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड। मतलब क्या है, ये क्या है विंडो सीटी होती है ये भी, और स्पेशली इसको बनाया गया है किसके, बुशिंग के चारों ओर कंस्ट्रक्टेड किया गया है इसको। थर्ड है गाइज हमारा बार सीटी, इसके अंदर क्या है, ये भी विंडो सीटी ही है, विंडो करंट ट्रांसफार्मर बोला जाता है इसको, और इसके अंदर क्या परमानेंट बार इंस्टॉल नहीं होती, सॉरी इसके अंदर परमानेंट बार इंस्टॉल होती है प्राइमरी कंडक्टर के अंदर, ठीक है गाइज। तो फोर्थ है हमारा वाउंड सीटी, जो कि इसमें इसके अंदर गाइज किया है, दिस सिटी हैज ए प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग लाइक ए नॉर्मल ट्रांसफार्मर। इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी जो वाइंडिंग होती है नॉर्मल ट्रांसफार्मर की तरह होती है। दिस सिटी इज डेयर एंड इज यूज एट वेरी लो रेशियो एंड करंट। ये जो है हमारी बहुत, मतलब रेयरली यूज की जाती है लो रेशियो पे, जो लो रेशियो होता है लो करंट के अंदर इसको यूज किया जाता है। टाइपिकली इन दिस सिटी, इस ट्रांसफार्मर के अंदर जिस टाइप के करंट ट्रांसफार्मर है, सेकेंडरी सर्किट टू कंपेंसेट फॉर लो करंट, जो सेकेंडरी सर्किट है वो लो करंट के लिए कंपेंसेट किए जाते हैं। टू मैच ए डिफरेंट सिटी रेशियो इन समिंग एप्लीकेशन और आइसोलेट डिफरेंट सिटी। तो इसका जो यूज है, इस प्रकार के करंट ट्रांसफार्मर का यूज क्या है, समिंग एप्लीकेशन के लिए किया जाता है और अलग अलग सिटी सर्किट के लिए। तो दिस टाइप ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग डिपेंड, इस टाइप की जो प्राइमरी वाइंडिंग वो डिपेंड करती है दोस्तों सिटी इंसुलेशन पे, जो है हमारा डेड टैंक और लाइव टैंक डिजाइन, ठीक है, उस पर डिपेंड करती है। तो इसी में आ जाता है गाइस डेड टैंक क्या होता है। तो इस टाइप का जो डिजाइन है, सेकेंडरी कोर वाइंडिंग के अंदर आर हाउस्ड इन मेटालिक टैंक। इसके अंदर क्या मेटालिक टैंक होता है, विच इज लोअर पार्ट ऑफ सीटी एंड सोलिडरी अर्थिड। इसको क्या है, अर्थिंग किया हुआ होता है गाइस टैंक को। तो फ्रेंड देखिए, इसके अंदर क्या है, लीड ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग आर बाउट एट टॉप चैम्बर टू टर्मिनेशन। इसके अंदर जो लीड होती है प्राइमरी वाइंडिंग की, वो क्या है टॉप पे होती है, जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली ट्रांसफार्मर में होती है, जैसे जो घरों में जो पावर सप्लाई करते हैं, सेम उसी टाइप से ही ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर किया जाता है। और चैम्बर के ऊपर इसके अंदर टर्मिनल HTLT के टर्मिनल होते हैं। तो ठीक है गाइज, तो इस टाइप की वाइंडिंग है दोस्तों, किस शेप में होती है, हेयर पिन की शेप में होती है, और जो बोल्ट होती है इसके वो पास किए हुए होते हैं, किसके थ्रू, जो सेकेंडरी कोर होती है हमारी फुली इंसुलेटेड होती है प्राइमरी
ऑन प्राइमरी वाइंडिंग, जो प्राइमरी वाइंडिंग्स की होती हैं। तो दोस्तों देखिए, सिटी ट्रांसफार्मर के अंदर ही हमारा लाइव टैंक इन्वर्टेड होता है गाइज, जिनका जो डिजाइन है सेकेंडरी कोर एंड द प्राइमरी वाइंडिंग आर असेंबल्ड। ये प्राइमरी और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इनकी असेंबल होती है गाइज मेटल टैंक से, और वो पाई जाती है लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर होता है हमारा उसके टॉप में ये पाई जाती है, ठीक है गाइज। तो हियर द सेकेंडरी कोर असेंबल इंसुलेटेड फुली, इनको भी गाइज इंसुलेट किए होता है, इंसुलेटर लगे होते हैं इनपे फुली इंसुलेटेड। हाई सिस्टम वोल्टेज, हाई सिस्टम की जो इन पे HT वोल्टेज पड़ती है, कनेक्ट की जाती है, इसलिए इनको इंसुलेटेड किया जाता है। वोल्टेज एंड प्राइमरी वाइंडिंग इज लूप थ्रू द कोर असेंबली, इनके अंदर लूप होता है गाइज, किसके थ्रू, कोर के थ्रू लूप बनाए हुए होते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग्स कैन बी सिंगल बाय बार प्राइमरी और मल्टी टर्न प्राइमरी। तो नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, इनमें हार्मेटिकली सीलिंग होती है गाइज। द इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इज सपोर्टेड टू बी मेंटेनेंस फ्री एंड हेंस देयर इज नो स्कोप फॉर फिल्टरिंग ऑफ चार्जिंग ऑफ ऑयल ड्यूरिंग इट्स लाइफ। तो मतलब क्या है गाइज, हर्मेटिकली सील्ड होते हैं पूरी तरह से इन ट्रांसफार्मर के अंदर, क्या है ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती, ये मेंटेनेंस फ्री होते हैं और इनके अंदर कोई फिल्टरिंग और चार्ज ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब इनको लगा दिया जाता है एक बार तो टेंशन फ्री हो जाते हैं, ठीक है गाइज, लॉन्ग लाइफ होते हैं। तो दोस्तों देखिए, सीलिंग विद मेटालिक बेलोज, ये क्या है, इनको जो फिट किया जाता है कहाँ पे, एक्सपेंशन चैम्बर होता है माउंट ऑफ द टॉप ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। एक्सपेंशन चैम्बर जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है हमारा, उसके टॉप में, उसके ऊपर की तरफ होता है, उसको वहाँ पे माउंट किया हुआ होता है। विच इज सेपरेट ऑयल विद एनी एक्सटर्नल एनवायरमेंट। सेकंड है हमारा गाइस, सीलिंग बाय नाइट्रोजन क्यूजन। एक्सपेंशन चेंबर ऑन द टॉप ऑफ द सिटी इज इवैक्यूएटेड फर्स्ट अप्लाइंग वैक्यूम एंड देन वैक्यूम इज फिल्ड विद ड्राई नाइट्रोजन। इसके अंदर गाइज सूखी ड्राई नाइट्रोजन को फिल किया हुआ होता है एक्सपेंशन चैम्बर में, जो ऊपर की तरफ सिटी ट्रांसफार्मर के अंदर होता है गाइज, इसके अंदर अप्लाई किया हुआ होता है क्या वैक्यूम, और वैक्यूम भरा होता है और ड्राई नाइट्रोजन के साथ, ठीक है दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं है फ्रेंड। तो नेक्स्ट देखते हैं, एक्यूरेसी क्लासेज की अगर बात करें तो इट इज़ द रेस्टेड रेशियो एक्यूरेसी इन परसेंट। इसकी जो एक्यूरेसी रेस होती है वो परसेंटेज परसेंट के अंदर होती है गाइज, और एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर ALF को बोला जाता है, एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर जिसका होता है कितना होता है गाइज, एग्जाम्पल में दिखाया गया है इस टाइप से कुछ होता है, CT 5P20 5 वोल्ट एम्पियर और ALF इक्वल टू 20, ऐसा कुछ इसका रेशियो होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, तो दोस्तों करंट ट्रांसफार्मर के अंदर ही इनकी टेस्टिंग भी होती है, जैसे सीटिंग टेस्टिंग में फर्स्ट आता हमारा IR टेस्टिंग, प्राइमरी टू अर्थ बाई 5 kV मैगर और सेकेंडरी अर्थ कोर से लेके अर्थ बाई 500 वोल्ट मैगर यूज किया जाता है, और प्राइमरी से सेकेंडरी में 5 kW का गाइज मैगर होता है, और सेकेंडरी कोर टू कोर में होता है 500 वोल्ट मैगर गाइज, ठीक है। तो ये कुछ टेस्टिंग के प्रोसीजर हैं सिटी करंट ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग, और जो इनका पोलैरिटी टेस्ट है वो इस टाइप से गाइज डायग्राम के अंदर आपको दिखाया गया है, P1 P2 S1 S2 फिगर में गाइज शो किया गया, नीचे सेल कनेक्ट किया गया इसमें, और एक एनालॉग मीटर है नीचे। तो इनकी टेस्टिंग के लिए हम जो रिक्वायर करते हैं गाइज, फॉर कैरिंग आउट द टेस्ट वी रिक्वायर 1.5 वोल्ट सेल, एक सेल की जरूरत पड़ती है इसके अंदर डाल के, इस मीटर के अंदर, और तब इसकी टेस्टिंग की जाती है गाइज।
नेक्स्ट है गाइज सिटी की मेंटेनेंस, चेक फॉर ऑयल। इनकी मेंटेनेंस में गाइज कुछ नियम होते हैं, क्योंकि एक तो देख लीजिए चेकिंग ऑफ ऑयल लेवल एंड लीकेज। सबसे पहले ऑयल लेवल चेक करना जरूरी होता है और लीकेज वगैरह है कि नहीं, रिएक्टिफाई द सेम इमीडिएटली। ठीक है, सेकंड है हमारा चेकिंग ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस। इंसुलेशन रेजिस्टेंस का इंसुलेशन भी चेक करना जरूरी होता है, और पावर कनेक्शन टाइट होना चाहिए पूरे गाइज, सेकेंडरी कनेक्शन टाइटनेस, और क्लीनिंग द बेसिंग एंड इंसुलेटर, इंसुलेटिंग बेसिंग की क्लीनिंग जरूरी होती है गाइज। तो चेकिंग द प्रॉपर अर्थिंग और बॉडी कनेक्शन सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट फ्रेंड इनके अंदर क्या होता है, इनकी जो अर्थिंग कनेक्शन बहुत ज़रूरी होती है शॉर्ट सर्किट और शॉकिंग से बचने के लिए गाइज। ठीक है, तो चेकिंग द प्रॉपर अर्थिंग ऑफ बॉडी कनेक्शन, चेक द अर्थिंग ऑफ सिटी सेकेंडरी कोर स्टार पॉइंट। जो इसके सिटी की जो सेकेंडरी कोर स्टार पॉइंट है उनको भी चेक करना, और उनकी अर्थिंग ठीक से कनेक्टेड है कि नहीं, इसमें इलेक्ट्रिकल में गाइज बहुत ज़रूरी होता है। यही चीज़ें गाइज इलेक्ट्रिकल प्लांट में यूज होती है, और यही इन्हीं में जो सेम ही प्लांट है गाइज वो सोलर में आजकल यूज हो रहे हैं। तो चेक द वर्किंग ऑफ स्टेनलेस स्टील बेलोज। तो स्टेनलेस स्टील के गाइज बेलोज होते हैं, उनको भी चेक करना इसमें ज़रूरी होता है। चेक द नाइट्रोजन प्रेशर इसके अंदर, दोस्तों नाइट्रोजन सिटी ट्रांसफर के अंदर नाइट्रोजन आपको बता था पीछे मैंने, नाइट्रोजन प्रेशर भी चेक करना पड़ता है इनकी मेंटेनेंस में। तो ये इनकी कुछ मेंटेनेंस है जो ज़रूरी है गाइज। तो आगे देखते हैं, तो दोस्तों ये था करंट ट्रांसफार्मर, और फिगर में आपको शो भी हो रहे होंगे। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गाइज, जो हमारा फिफ्थ वीडियो आएगा अगले आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर के बारे में। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।